नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। रायपुर में बाप बेटे के साथ मारपीट कर लूटपाट की वारदात हो गई है। चार पांच लड़कों ने घूमने की बात को लेकर बहसबाजी चालू, फिर उन्होंने पत्थर और चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में पिता के पसलियों में गंभीर चोटें आई है, जिनका मेकाहारा हॉस्पिटल में इलाज जारी है। फिलहाल मामले में टिकरापारा पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। पीड़ित शिवम द्विवेदी ने बताया कि वह अपने पिता के साथ नौकरी की बातचीत करने के लिए देवपुरी के पास भाटिया पेट्रोल पंप गया हुआ था। वे दोनों पेट्रोल पंप के बाहर सड़क के किनारे बैठे हुए थे। इस दौरान वहां से चार पांच लड़के पैदल गुजर रहे थे, तभी उन्होंने घूरने की बात कहते हुए जबरन बहसबाजी चालू कर दी। बहसबाजी बड़ी तो वह गाली गलौज पर उतर आए। पीड़ित शिवम के उंगली पर भी चोटें आई और ऊपरी हिस्सा कट गया। पत्थर उठाकर पसली पर पटका। शिवम ने बताया कि आरोपी ने दोनों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक आरोपी ने पत्थर उठाकर उसके पिता बुद्धसेन द्विवेदी के पसलियों पर बटक दिया। इसके बाद उन्होंने चाकू से भी हमला किया, जिससे उनकी उंगली पर भी चोटें आई और ऊपरी हिस्सा कट गया। आरोपी ने पत्थर उठाकर पिता बुद्धसेन द्विवेदी के पसलियों पर पटक दिया। पिता अस्पताल में भर्ती। इस मारपीट के बाद बुद्धसेन द्विवेदी और बेटे शिवम ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दोनों को मैकाहारा अस्पताल में भर्ती किया गया। इस मामले में टिकरापारा पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। शिवम ने बताया कि आरोपियों ने दोनों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित का दावा 23,000 और 2 मोबाइल लूटे। इस वारदात के बाद पीड़ित शिवम ने दावा किया कि उनके पिता ट्रक ड्राइवरी का काम करते हैं। उसके पास कामकाज के लिए 23,000 रुपए रखे हुए थे, जिसे आरोपी ने लूट लिया। इसके अलावा दोनों के मोबाइल फोन भी छीन लिए गए। हालांकि पुलिस की FIR में लूटपाट की रकम का जिक्र नहीं है। और मेरा भी उंगली कट गई है और ये हाथ का फ्रैक्चर हो गया, पत्थर वत्थर से चाकू भी मारे हैं और पैसा 23,000 रुपये छीन लिए हैं और 2 मोबाइल मेरा, मेरे पिताजी का, दोनों जन का मोबाइल, पैसा वो जो था।